हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो हम आपसे अभी थेमनेस थ्योरम डिस्कस कर रहे थे। थेमनेस थ्योरम में हमने आपको बताया था कि तीन होते हैं हमारे उसके केसेस। एक होता है जिसमें केवल इंडिपेंडेंट सोर्सेस होता है, दूसरा जिसमें इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट सोर्स दोनों होता है, और तीसरा जिसमें केवल डिपेंडेंट सोर्सेस होते हैं। ओके, तो पहला केस था हमारा जिसमें केवल इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं, तो उसके हम दो न्यूमेरिकल्स आपसे डिस्कस कर चुके थे। एक जब थेमनेस थ्योरम पढ़ाई थी तब हमने आपको बताया था, और एक और प्रॉब्लम उसकी डिस्कस की थी। ओके, बट उसमें जो हम फाइंड कर रहे थे वो हमारा क्या था, VTH एंड RTH। ओके, मतलब रेजिस्टेंस था हमारा केवल सर्किट में, हमारा इम्पीडेंस L एंड C क्या थे, एब्सेंट थे। बट एक ही प्रॉब्लम मैंने ली है जिसमें L और C भी प्रेजेंट है। ओके, तो इसमें हमारा कोई बड़ी चीज नहीं है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें RTH की जगह हम क्या फाइंड करेंगे, ZTH। ओके, क्योंकि जहां पे इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस भी आ जाते हैं वहां पे इक्विवेलेंट इम्पीडेंस फाइंड करते हैं। ओके, तो हमें किसके अक्रॉस फाइंड करना है, I के अक्रॉस। ओके, क्या है क्वेश्चन, फाइंड करंट I करंट फ्लो करना। अब फाइंड करंट I by थेमनेस थ्योरम। ओके, तो थेमनेस के थ्योरम के द्वारा हमें I फाइंड करना है। ये हम सिंपल बोले I फाइंड हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, KCL लगा के, KVL लगा के, थेमनेस, नॉर्टन, कुछ भी। ओके, तो वे स्पेसिफाई करके देंगे कि थेमनेस थ्योरम के थ्रू आप I फाइंड कीजिए, तो आप थेमनेस थ्योरम लगाइए, अदरवाइज आप कुछ भी लगा सकते हैं। ओके, तो थेमनेस के थ्रू हमें I फाइंड, मतलब थेमनेस के इक्विवेलेंट फाइंड करना है VTH और ZTH। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, VTH फाइंड करेंगे। VTH फाइंड करने के लिए हमने क्या बताया है, जिस ब्रांच के अक्रॉस फाइंड करना है उस ब्रांच को हम क्या कर देते हैं, ओपन सर्किट कर देते हैं, उसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करते हैं, वही क्या कहलाता है हमारा, VTH। ओके, तो ये सर्किट कैसा बनेगा, ऐसा बंद हो जाएगा, 60 एट एन एंगल 0 डिग्री, 2 ओम, यहाँ पे कैपेसिटेंस माइनस 2J, 2J ओम, ये 2J और माइनस 2J, ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। ओके, तो ये 2J माइनस 2J, 2J 2 और ये माइनस 2J। ओके, ओम हम नहीं लिख रहे हैं, रेजिस्टेंस इंपीडेंस है, ओम है। ओके, ये है, हमें क्या करना है, यहाँ पे VTH फाइंड करना है। तो जो वोल्टेज यहाँ होगा वही यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे करंट क्या होगा, 0, क्योंकि ये क्या है, ओपन सर्किट है, करंट 0, इसका मतलब इस ब्रांच में कोई ड्रॉप नहीं होगा। तो VTH यहाँ का वोल्टेज है, तो VTH ही क्या होगा, यहाँ पे होगा। ओके, अब हमें क्या करना है, VTH फाइंड करना है, तो हम इस पे क्या करते हैं, नोड एनालिसिस लगा लेते हैं। सपोज ये पॉइंट क्या है, ए, एट पॉइंट ए अप्लाई नोड एनालिसिस। ओके, नोड एनालिसिस क्या बोलता है, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ठीक है, तो सपोज हमने माना यहां से करंट जा रहा है, यहां से करंट जा रहा है हमारा, और यहां से भी ये करंट जा रहा है। ओके, तो ये करंट तो क्या है, 0, ये और ये और कोई आ नहीं रहा है, इसका मतलब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये वाला सपोज ये करंट माना I1 और ये I2, और ये करंट तो क्या है, 0। तो I1 प्लस I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। I1 की वैल्यू क्या होगी, VTH माइनस 60 एट एन एंगल 0 डिग्री डिवाइड बाय 2 माइनस 2J प्लस VTH माइनस 0, ये क्या है, ग्राउंड, तो यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, 0, VTH माइनस 0 डिवाइड बाय 2 प्लस 2J इक्वल टू 0। ओके, इसको आप सॉल्व करेंगे, ऐसे हम ले लेंगे 2 माइनस 2J 2 प्लस 2J, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2J इंटू VTH माइनस 60 एट एन एंगल 0 डिग्री प्लस VTH इंटू 2 माइनस 2J इक्वल टू 0। ओके, हम यहाँ से सर्किट रब कर देते हैं, इसको आप सॉल्व करेंगे, ये वाली चीज यहाँ चली जाएगी राइट हैंड साइड, तो ये क्या हो जाएगी, 0, तो क्या बचेगा यहाँ पे, 2 प्लस 2J इंटू VTH माइनस 60 एट एन एंगल 0 डिग्री प्लस, इसको ओपन कर देंगे, 2 VTH माइनस 2J VTH इक्वल टू 0। इसको हम ओपन करेंगे, क्या बचेगा, पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 VTH माइनस 6 2 12 120 एट एन एंगल 0 डिग्री प्लस 2J VTH माइनस 120J प्लस 2 VTH माइनस 2J VTH इक्वल टू
जीरो. ओके, टू जे वी टी एच से माइनस टू जे वी टी एच कैंसिल आउट हो गया. यहां पे क्या बचा हमारा, टू प्लस टू फोर वी टी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120 प्लस 120 जे. ओके, फोर वी टी एच इक्वल टू 120 प्लस 120 जे. फिर क्या हो जाएगा, वी टी एच इक्वल टू फोर से डिवाइड कर देंगे, 120 प्लस 120 जे डिवाइड बाय फोर, तो ये कितना आ जाएगा, 30 प्लस 30 जे. ओके, अब आप इसको जो आपका कैलकुलेटर होता है हमारा, ठीक है, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, ये हमारा साइंटिफिक कैलकुलेटर है. ओके, ये आप सभी लोग परचेज कर लीजिएगा, कर ही लिया होगा सबने, तो इंजीनियरिंग में ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट होता है, पूरी मैथ में, सर्किट में, न्यूमेरिकल जो भी सॉल्व करने हैं उसमें इसकी जरूरत पड़ती है. ओके, तो ये न्यूमेरिक ये आपके पास कैलसी होगा सबके पास, उससे आप ये सॉल्व कर सकते हैं, आपको आता होगा. सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑन करना है. ओके, ऑन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या दिया, 30 प्लस 30 जे, तो हम क्या करेंगे, ये दबाएंगे 30 प्लस 30 आई. ओके, ये आई कहाँ से आएगा, ये शिफ्ट, और इंजीनियरिंग के ऊपर ई एन जी के ऊपर आई लिखा है, तो शिफ्ट दबा के आप ई एन जी दबाएंगे तो ये आपका आ जाएगा आई. ओके, आपको ये हमारा किसमें, रेक्टेंगुलर फॉर्म में चाहिए, तो फिर आप शिफ्ट दबा के यहाँ पे एंगल लिखा है, प्लस के ऊपर लिखा है एंगल, ये आप अपने कैलसी में देख लीजिएगा, जो भी आपके पॉइंट है उनके ऊपर भी कुछ कुछ लिखा है, तो ऊपर वाली चीज आपको चाहिए तो आप शिफ्ट दबा के दबाएंगे तो वो आ जाएगी. ओके, तो ये प्लस के ऊपर लिखा हुआ है आर एट एन एंगल थीटा, हमें इसी फॉर्म में चाहिए, एंगल के फॉर्म में, तो हम शिफ्ट दबा के दबा देंगे प्लस, तो ये आ गया हमारा, अब दबा देंगे इक्वल, तो ये वैल्यू आ गई, कितनी आई, 42.426 एट एन एंगल, फिर शिफ्ट दबा के आप इक्वल दबाइएगा तो ये आपका एंगल आ गया, एंगल 45 डिग्री. ओके, तो ये आ गई आपकी वीटीएच की वैल्यू. आप चाहे तो इसको हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 30 स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर. कैसे आप इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, ऐसे ही करते ना, ये रियल वैल्यू प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, तो इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 900 प्लस 900. आप क्या से सॉल्व कर दिए, 900 प्लस 900 इक्वल आ गया. ओके, अंडर रूट, अंडर रूट ऑफ 900. आप इसको अपने कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिए. ओके, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1800. यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, अंडर रूट 1800. तो देखिए ये वैल्यू क्या आती आ रही, 42.42, और इससे हमने फाइंड की तब भी क्या आ रही, 42.42. और एंगल कैसे फाइंड करेंगे, टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाय रियल पार्ट, तो ये कितना आ गया, 1. टेन इनवर्स 1 क्या होता है, 45 डिग्री, तो ये आ गया. तो आप चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हो, आप चाहे तो कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं, बट कैसे भी फाइंड करेंगे तो जल्दी फाइंड हो जाएगा, ऐसे में आपको टाइम लगेगा. तो ये आ गया हमारा क्या, VTH. ओके, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज हमने फाइंड कर लिया है, अब हमें क्या फाइंड करना है, ZTH. ओके, यहाँ पे इम्पीडेंस भी है, कैपेसिटेंस भी है, इसलिए हम यहाँ पे RTH नहीं फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, ZTH. तो यहाँ पे VTH क्या आ गया हमारा, 42.4542 at an angle 45 degree. ओके, नाउ वी फाइंड ZTH. ZTH फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसको क्या करना है, रिमूव कर देना. ओके, वोल्टेज सोर्स ओपन सर्किट, करंट सोर्स शॉर्ट सर्किट, ठीक, इसको वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स ओपन सर्किट, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट और करंट सोर्स ओपन सर्किट. ये वोल्टेज सोर्स है, इसको शॉर्ट कर देंगे, ये 2 ओम माइनस 2 जे 2 ओम 2 जे 2 जे और माइनस 2 जे और ये ओपन. ओके, ये कितना है, 2 जे माइनस 2 जे, ये 2 2 जे 2 माइनस 2 जे. यहां से हम क्या फाइंड करेंगे, ZTH. ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल में, यहाँ से सपोज करंट आ रहा है आई, ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, आई वन आई टू, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में है, उसके साथ ये सीरीज में. तो ZTH क्या हो जाएगा हमारा, 2 माइनस 2 जे
पैरेलल विथ 2 प्लस 2j, उसके साथ प्लस होगा 2j माइनस 2j। ओके तो 2j माइनस 2j ये तो क्या हो गया, कैंसिल आउट ही हो गया हमारा। तो केवल ये दोनों पैरेलल में सॉल्व करना है, तो क्या होगा 2 माइनस 2j इनटू 2 प्लस 2j डिवाइड बाय 2 माइनस 2j प्लस 2 प्लस 2j, यही होता ना। आर वन पैरेलल आर टू हो तो क्या होता है, आर वन आर टू डिवाइड बाय आर वन प्लस आर टू। ऐसे जेड वन पैरेलल जेड टू हो तो होता है जेड वन जेड टू डिवाइड बाय जेड वन प्लस जेड टू। तो इसको सॉल्व करेंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2j से 2j कट गया, एक प्लस का एक माइनस का क्या बचा 4, तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 2j का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, j स्क्वायर मतलब माइनस 1 डिवाइड बाय 4, ये क्या हो गया 4 प्लस 4 डिवाइड बाय 4 8 डिवाइड बाय 4 4 2, तो ये आ गया 2 ओम। ओके तो ये हमने फाइंड कर लिया ZTH भी और हमने VTH भी फाइंड कर लिया। ओके ZTH आपका कितना आ गया 2। I फाइंड करना है, इसको हम इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स में बना देते हैं। ये आ गया 4j ओम, ओके, और ये आ गया हमारा 42.42 एट एन एंगल 45 डिग्री, और ये आ गया हमारा 2 ओम। ओके यहाँ पे I फाइंड करना, तो I क्या आ जाएगा 42.42 एट एन एंगल 45 डिग्री डिवाइड बाय 2 प्लस 4 जी। तो ये हमारा, इसको भी हम क्या करते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगेन एक बार और मैं आपको बता देती हूँ क्या है 2 प्लस 4 जे, तो पहले क्या दबाना है 2, फिर प्लस, फिर 4, अब जे आई, आई दबाने के लिए शिफ्ट के साथ आप ई एन जी दबाएंगे तो ये आ गया आई, फिर आप शिफ्ट के साथ दबाएंगे प्लस, ओके शिफ्ट के साथ प्लस दबाएंगे तो ये आ गया एंगल, अब आप दबाइए इक्वल टू, तो ये आपका क्या हो गया रेक्टेंगुलर फॉर्म से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। कितना आया 4.47, तो कितना है 42.42 एट एन एंगल 45 डिग्री डिवाइड बाय 4.472, फिर शिफ्ट के साथ इक्वल दबाएंगे तो आ गया आपका एंगल कितना 63.43 एट एन एंगल 63.43। ओके इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो 42 डिवाइड 0.42 डिवाइड बाय 4.472 ये कितना आ जाएगा 9.48 एट एन एंगल, इस एंगल में से इसको क्या कर देते हैं माइनस, ओके न्यूमिनेटर के एंगल से डिनोमिनेटर का माइनस कर देते हैं, तो कितना आएगा 45 माइनस 63.43 कितना आ गया माइनस 18.43, ये आ गया आपका करेंट। ओके तो ये आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आपसे ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारा, तो आपको कैलसी को यूज करना आना चाहिए, बाकी आपका एकदम सिंपल है जैसे आपने पहले किया था। ओके तो ये हमने आपको न्यूमेरिकल बताया जिसमें क्या है केवल इंडिपेंडेंट सोर्सेस प्रेजेंट है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि जब इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट दोनों सोर्स एक साथ प्रेजेंट है तो हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ओके थैंक यू।